हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 23 मार्च 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मेमोरी बेस्ड GA सेक्शन से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया। अगर हम सबसे पहले फिजिक्स न्यूमेरिकल की बात करें तो फिजिक्स न्यूमेरिकल में M1 M2 मीन्स मास ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट आपको गिवन था और आपने जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी V1 मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। हम गन के लिए 1 डिनोट यूज कर रहे हैं और बुलेट के लिए 2 यूज कर रहे हैं। तो मास ऑफ बुलेट मीन्स M2 आपको गिवन था, स्पीड ऑफ बुलेट निकालना था मतलब V2 की वैल्यू आपने निकालनी थी। तो आपको बता दें, जैसे ही हम गन से कोई बुलेट फायर करते हैं तो अगर बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाती है तो कुछ ना कुछ स्पीड से जो गन है वो भी बैक स्पीड से पीछे की तरफ आती है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, क्योंकि गन जो है पीछे की डायरेक्शन में कुछ वापस आएगी। तो ये जो होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग ना तो मोमेंटम को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो चार वेरिएबल हमारे पास है M1 V1 M2 V2, उन चार में से 3 वैल्यूज आपको गिवन है, वो तीनों वैल्यूज अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपके पास फोर्थ वेरिएबल आ जाएगा। तो ये फिजिक्स न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर देखा गया आज मॉर्निंग शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम स्टैटिक GK की बात करें तो बोहाग बीहू डांस, देखिए काफी पॉपुलर डांस है बीहू डांस, कौन से स्टेट का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, कल भी देखा गया था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज भी बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट स्टेट का डांस पूछा गया था। तो बीहू डांस कौन से स्टेट का है? तो राइट आंसर होगा इसका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, न्यू क्वेश्चन नंबर 3, न्यू PM ऑफ नेपाल इज फ्रॉम विच पार्टी, जो नए PM है नेपाल के वो किस पार्टी से है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनका जो नाम है खड़गा प्रसाद ओली, ये न्यू PM ऑफ नेपाल है, और ये कौन सी पार्टी से है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, केवल पार्टी पूछी गई थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो देखा गया सेल थ्योरी से रिलेटेड कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आपको बता दें सेल थ्योरी से रिलेटेड वो दी थी स्किल्डन एंड शावन ने, और उन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया था कि ये ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने अपनी थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये दिया था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं, और दूसरा पॉइंट जो दिया था सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, और तीसरा पॉइंट उन्होंने अपनी इस थ्योरी में दिया था सेल्स ओनली राइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो थ्योरी दी थी वो स्किल्डन एंड शावन ने दी थी सेल थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें व्हाट इज द लेयर बिलो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उससे बिलो जो लेयर होती है उसका नाम पूछा गया था। तो आपको बता दें, जो अर्थ जो कंसिस्ट होती है वो चार लेयर से कंसिस्ट होती है, और सबसे जो अंदर जो लेयर होती है इनर लेयर, फिर आउटर लेयर, फिर लेयर आती है मेंटल, फिर आती है क्रस्ट। तो अगर बिल्कुल आउटर लेयर पूछी गई है तो हमारा आंसर होगा क्रस्ट, लेकिन आउटर लेयर से पहले वाली लेयर पूछी गई है तो आंसर होगा हमारे पास मेंटल। तो मेंटल विल बी द राइट आंसर, मेंटल लेयर इज द बिलो आउटर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूछा गया था कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में हम जो लिखा गया है, तो आर्टिकल से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं जिसमें अधिकतर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 में मनी बिल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पॉलिटी से क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये आर्टिकल 31 आर्टिकल 31(1) और 31(2) में राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख किया गया है, बट 44वें अमेंडमेंट के बाद संविधान में जो राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल है उसको हटा दिया गया है। तो फिलहाल जो 44वें अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल जो है, राइट टू प्रॉपर्टी वो नहीं है, बट इसका जो उल्लेख स्टार्टिंग में जब मिलता है वो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 31(1) और 31(2) में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया, एलोकेशन टू नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था
कि एलोकेशन कितना बजट एलोकेट किया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में, तो जिसे हम NNM भी हम बोलते हैं, तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो आती है वो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके लिए जो टोटल जो बजट एलोकेट किया गया है वो किया गया 9,046 करोड़, और ये जो करंट अफेयर है फरवरी करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अगर ऑर्बिट्स एन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो गाइस इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2n2। जैसे अगर फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें 2 हो सकते हैं, सेकेंड शेल की बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें 8 हो सकते हैं, थर्ड शेल की बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है 2n2 इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए n की जगह अगर हम 3 पुट कर रहे हैं, 3 का स्केयर 9 × 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18। अगर हम बात करें शेल नंबर 7 की, 7th शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n की जगह जब हम 7 पुट करेंगे, 7 का स्केयर 49 × 2, वो होगा 98, तो 7th शेल में टोटल 98 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2n2, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया, क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे थे कि आपने ये बताना था कि वो कार्बन का एलोट्रोप्स कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, ये सारे कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, तो जो इनके अलावा जो गिवन था वो कार्बन का एलोट्रोप्स नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था हु रूल्ड आफ्टर पाल डेंसिटी, तो पाल वंश के बाद जो शासन था वो किसने किया था, तो आपको बता दे पाल वंश के बाद जो शासन हुआ था वो हुआ था सेन वंश का, और सेन वंश जिसके संस्थापक थे सामंत सेन। तो क्वेश्चन केवल इतना था, पाल वंश के बाद किसने शासन किया, तो उसका आंसर होएगा सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया, एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो देखा गया, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं हम, इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज सब्स्टिट्यूट ऑफ, और चार ऑप्शन आपको गिवन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे ही इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो भी हम कमेंट के थ्रू या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही अपडेट कर देंगे। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जो इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आया है, अगर उन्हें जितने भी मेमोरी बेस्ड रिमेनिंग क्वेश्चन याद आते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन थी इंग्लिश में। जो सबसे पहले सिनोनिम जो पूछा गया वो पूछा गया था कंट्राइट। कंट्राइट का मतलब जो होता है वो होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेन और सोरो फॉर सिंस। सिंस के लिए जो भी पेन या सोरो जो होता है वो एक्सप्रेस करना, वो फील करना, उसे हम कंट्राइट बोलते हैं। एंटोनिम जो पूछे गए बिल्कुल सिंपल से थे, प्रीवियस ईयर्स से ही लिए गए, बैनल और बेंशन। बैनल का मतलब होता है साधारण, बेंशन का मतलब होता है आशीर्वाद। इडियम जो देखे गए, एक देखा गया आउट ऑफ ऑर्डर, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर, जैसे इडियम से ही क्लियर है कि नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ए साइट ऑफ सोर आइज, तो इसका जो मतलब होगा वन हुम इट इज जॉय टू सी। क्रैक स्पेल्ड जो बिल्कुल सिंपल से क्रैक स्पेल्ड देखे गए, फ्लाउंडर और पोजेशन। और अगर हम वॉइस और नरेशन की बात करें, एक वॉइस और एक नरेशन जो देखा गया, वॉइस था शी लॉक द डोर, और नरेशन जो पूछा गया ही सेड आई मेट हर यस्टरडे। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश सेक्शन का लेवल इतना टफ नहीं है, जीके का सेक्शन या जीएस का सेक्शन हम कह सकते हैं थोड़ा सा टफ आ रहा है। तो अगर हम मैथ सेक्शन की बात करें तो जो क्वेश्चन हमें मिले मेमोरी बेस्ड, एक क्वेश्चन जो गिवन था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू 54 दे रखी है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 दे रखी है, और एक्स वाई यहां पर 2 था या 3 था इस तरह से वैल्यू थी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया था। तो आपको बता दें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो ये 18 जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में ये रह जाएगा 3, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये जो 2 है प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यही वैल्यू आपने निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गया, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था विच मिनिमम नंबर शुड बी एडेड टू मेक कंप्लीट स्क्वायर, तो 9 × 8 × 7 × 10 ये एक नंबर है,
इन सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में हम क्या ऐड करें कि वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई का आंसर आता है 5040। तो हम इसमें कितना नंबर ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो गाइज इसका आंसर होगा 1, क्योंकि 5041 जो होता है कंप्लीट स्क्वायर 71 का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, काफी शिफ्टों में पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने निकालनी थी, पेरीमीटर दे रखा है और ब्रेथ की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक और जो क्वेश्चन जो देखा गया मैथ से रिलेटेड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है और रेडियस गिवन थी, तो ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही देखे गए। तो भाई जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिले मैथ सेक्शन या इंग्लिश सेक्शन या फिर जीए सेक्शन, वो सभी हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आया उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको याद आते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उन्हें इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल के साथ मैथ्स गुरुजी के साथ। धन्यवाद।